हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। टुडे आई एम अगेन हियर टू प्रेजेंट अ न्यू सेशन फॉर दो स्टूडेंट्स दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 एग्जामिनेशन दैट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय NTA इन जून 2023। सो मैंने जैसे कि ये सीरीज़ जो स्टार्ट की है, इसमें मैं वो 100% शॉर्ट टॉपिक्स करवा रहा हूँ जिसमें से NTA ने क्वेश्चन पूछे ही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पेपर्स में, और इवन जो फ्यूचर में आपका पेपर जून 2023 में कंडक्ट हो रहा और जो दिसंबर 2023 में कंडक्ट होगा, इन टॉपिक्स के अराउंड ही NTA क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को पुट ऑन करेगा। सो हम अपनी आज क्लास नंबर सेशन नंबर 6 कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अगेन मैं आपको 9 to 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा। सो क्लास को बिगिन करते हैं, लेट्स बिगिन आर क्लास, बिगिन आर टुडे सेशन। सो सबसे पहले जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज़ मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि मार्केट ओरिएंटेशन डेफिनेशन है जो बिजनेस की, उसका क्या मीनिंग है, वो उसका क्या काम है। देखो, जो मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन है बिजनेस की, बेसिकली ये एक अप्रोच है जो प्रायोरिटाइज करती है आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ कंज्यूमर एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई दम। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सबसे पहले जो कंज्यूमर्स हैं यानी जो बिजनेस के कंज्यूमर हैं, उनकी नीड्स और डिजायर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद ही प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जाता है, यानी वो प्रोडक्ट्स उनकी नीड्स और डिज़ायर को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे। बेसिकली जो ये अप्रोच है, ये कन्वेंशनल अप्रोच से डिफरेंट है, क्योंकि जो कन्वेंशनल अप्रोच थी उसका मेन फोकस था जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना बाय इस्टेब्लिशिंग की सेलिंग पॉइंट्स। यानी इसका, इस अप्रोच का क्या कहना है, जो मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन, इसका ये कहना है पहले आप कंज्यूमर की नीड्स और डिज़ायर को स्टडी करो, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो, ताकि जो आपका वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को अचीव करने में हेल्प कर पाए। बट जो कन्वेंशनल अप्रोच थी उसका ये कहना था कि आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं आप उनकी प्रमोशन करो, आप अलग अलग सेलिंग पॉइंट्स इस्टेब्लिश करो और ट्राई करो, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप सेल ऑन करोगे। सो नेक्स्ट हम कुछ टॉपिक के मूव ऑन करते हैं। बेसिकली मैंने आपको इसमें ना 4 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूँ जिनमें से क्वेश्चंस आता ही आता है, ऑलरेडी आपने स्टडी किए हुए हैं। देखो, सबसे पहला जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब जो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, ये क्या अज्यूम करता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो फेवर करेंगे प्रोडक्ट्स को जो इजीली अवेलेबल हैं और अफोर्डेबल भी हैं। इसका जो मेन फोकस का वो है हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट में। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल ये कॉन्सेप्ट कहना ये चाहता है कि कंज्यूमर फेवर वो प्रोडक्ट्स को फेवर करते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, यानी क्वालिटी नहीं आ कह सकते, जो इजीली अवेलेबल है और जो अफोर्डेबल भी है। अब देखो, प्रोडक्ट तभी अफोर्डेबल हो पाएगा जब उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी अच्छी है कंपनी की, यानी बिजनेस अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है तभी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब जो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, ये ज्यूम करता है कि जो कंज्यूमर है वो उन प्रोडक्ट्स को फेवर करेंगे जिनमें अच्छी क्वालिटी होगी, परफॉर्मेंस होगी, उनके अच्छे फीचर होंगे, और इसमें कंपनी का मेन फोकस होता है कि सुपीरियर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करो और उनको जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी सुपीरियरिटी लेके आओ, उनको इम्प्रूव करो ओवर द टाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट है जो ये अज्यूम करता है कि कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द प्रोडक्ट्स अनलेस दे आर परस्यूडेड बाय अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट। सिंपल वो क्या कहना चाहते हैं, जो कंज्यूमर, सेलिंग कॉन्सेप्ट का ये मानना है कंज्यूमर अपने आप आपके उतने लेवल पे प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे जितना बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। सो बिजनेस को, कंज्यूमर्स को इनकरेज करना पड़ेगा, इनकरेज करने के लिए उन्हें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव सेलिंग में इंडल्ज होना पड़ेगा, प्रमोशन में अच्छे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब जो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये अज्यूम करता है कि विच अज्यूम्स दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिपेंड ऑन नोइंग द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग द डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन बेटर देन द कॉम्पिटिटर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सिंपल एक फिलॉसफी है, वो ये कहता है अगर तो आपने खुद अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो आपको अपनी टारगेट मार्केट के नीड्स और वॉन्ट्स को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। आपको हर पॉइंट पे कॉम्पिटिटर से अच्छी सेटिस्फेक्शन अपने टारगेट मार्केट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं दैट इज इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग, ये दो टर्म्स हैं, इनका क्या मीनिंग है। देखो, जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है ये एक फाइनेंस की एक
फॉर्म है फाइनेंसिंग की, जिसमें बिजनेस क्या करता है अपने अनपेड इन्वॉइसिस को सेल आउट कर देता है थर्ड पार्टी को, उसका क्या नाम है वो होता है इन्वॉइस डिस्काउंटर। वो क्या करेगा, वो एट अ डिस्काउंट इन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट कैश, सिंपल कहना वो ये कहते हैं जो बिजनेस है वो अपने अनपेड इन्वॉइसिस को थर्ड पार्टीज को, जिस थर्ड पार्टी यानी जिसे हम इनवॉइस डिस्काउंटर कहते हैं, उन्हें सेल कर देगा फॉर अ डिस्काउंट, ताकि जो बिजनेस को इमीडिएटली कैश मिल सके। सो इसमें क्या है, देखो इस इनवॉइस डिस्काउंटर में जो बिजनेस है वो अपना कंट्रोल पूरा रखता है अपने सेल्स लेजर पे, वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। यानी इनवॉइस डिस्काउंटर जस्ट फीस चार्ज करता है और इंटरेस्ट रेट करता है एडवांस पेमेंट देने के लिए, ठीक है। सो ये तो था इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब एक टर्म आती है फैक्टरिंग। देखो फैक्टरिंग किसी ना किसी में वे में सिमिलर है इनवॉइस डिस्काउंटिंग में, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस जरूर है। जो सबसे फैक्टरिंग है, इसमें बिजनेस अपने अनपेड इनवॉइसिस को थर्ड पार्टी को सेल करता है, जिसे हम फैक्टर कह देते हैं, एट अ डिस्काउंट इन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट कैश। हाउएवर द फैक्टर ऑल्सो टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर एंड मैनेजिंग द सेल्स लेजर। सिंपल चीज, देखो बाकी सब कुछ फैक्टरिंग में एज सिमिलर है जो है आपका इनवॉइस डिस्काउंटेड में, बट इनवॉइस डिस्काउंटेड में जो कलेक्शन है कस्टमर्स की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है, बल्कि फैक्टरिंग में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है फैक्टर को। सो जो फैक्टर है वो बिजनेस को अमाउंट पे करता है लेस देन द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस एंड देन टेक्स अ फीस एंड इंटरेस्ट रेट फॉर द एडवांस। यानी जितने बिजनेस ने अपने जितने अमाउंट के अनपेड इनवॉइसेस फैक्टर को दिए हैं वो उससे कुछ कम पैसा ही बिजनेस को ट्रांसफर करेगा इमीडिएटली, और इसके अलावा वो बिजनेस से इंटरेस्ट भी लेगा और अपना काम करने की फीस भी चार्ज करेगा। सो ये तो थी फैक्टरिंग। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। देखो फैक्टरिंग की कुछ टाइप्स होती हैं, लाइक रिकोर्स फैक्टरिंग होगी, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होगी, फुल सर्विस फैक्टरिंग होगी या मैच्योरिटी फैक्टरिंग होगी। देखो जो इसमें ना फुल फैक्टरिंग है उसके में से पेपर बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। देखो फुल फैक्टरिंग में क्या होता है, डिस्काउंटिंग के अलावा कुछ एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे परचेज किया जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स को। इवन इसमें जो फैक्टर है नॉट ओनली प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग बट परचेजेस द क्लाइंट्स इनवॉइसेस बट ऑल्सो टेक्स ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज क्रेडिट चेक्स ऑन कस्टमर हो गया, कलेक्शंस हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, क्रेडिट प्रोटेक्शन हो गया, इसे हम फुल फैक्टरिंग कह देते हैं। सो फ्रेंड्स ये अभी तक मैंने आपको तीन टॉपिक समझा दिए। सो अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मैं बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, 100% शेयर टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए ही आए हैं, जो फ्यूचर में भी इनमें से क्वेश्चन बनता ही है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। कुछ हम टर्म्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो हैकिंग क्या होता है, अब हम इसे ICTs के परस्पेक्टिव से देखेंगे। सबसे पहले जो हैकिंग है, इट इज अ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और यूज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क और डाटा। देखो हैकिंग क्या है, जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करते हैं उसे हैकिंग कहा जाता है। सेकेंड आता है क्रैकिंग। देखो क्रैकिंग एक तरीके की हैकिंग की ही टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क में ब्रेक इन करते हैं बट हमारी जो इंटेंशन है वो मलेशियस है, सच एस हम डाटा को स्टील करना चाहते हैं, डिस्ट्रप्ट करना चाहते हैं सर्विसेज को, या डैमेज किसी ना किसी टाइप से कॉज करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है, दैट इज डंपस्टर डाइविंग। अब जो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें ट्रैश को सर्च किया जाता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। अब वो इन्फॉर्मेशन चाहे पर्सन्स की हो सकती है चाहे बिजनेस की हो सकती है, जिसको हम बाद में यूज कर सके हैकिंग या सोशल इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट जो इसमें आता है, स्पूफिंग क्या होती है। देखो स्पूफिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने रिटर्न एड्रेस को ईमेल के फॉर्ज कर देते हैं, ताकि जो जो कम्युनिकेशन है रेसिपिएंट को उसे कुछ फॉल्स इम्प्लीकेशन यानी उसे हम फूल आउट कर सके, ताकि जो वो हमें अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रिवील कर दे और परफॉर्मिंग एन एक्शन फॉर अ अटैकर। सिंपल वे में जिस एड्रेस से हम अपना ईमेल भेजते हैं हम उस एड्रेस को फॉर्ज कर देते हैं, ताकि जो अगला जो ईमेल का रेसिपिएंट है वो हमें अपनी अपना समझ के हमें अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दे सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हम करने जा रहे हैं, दैट इज IT Act 2000 एंड उसके रिगार्डिंग कुछ सेक्शंस। देखो IT Act 2000 है ना, ये बेसिकली जो वो एक्ट है जो लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन को जिनको हम कैरी आउट करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यानी EDI के थ्रू या किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कॉमनली रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक कमर्स। अब इसमें
ये जो एक्ट है इवन वेरियस साइबर क्राइम्स और पनिशमेंट के साथ भी डील करता है। सो इसमें ना कुछ सेक्शंस हैं जो जिनमें से क्वेश्चन आया, सबसे पहले आता है इस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 63। देखो जो सेक्शन नंबर 63 है ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर एनी पर्सन जो जानबूझ के इंटेंशनली नोइंगली कंसील करता है, डिस्ट्रॉय करता है या ऑल्टर करता है कंप्यूटर सोर्स कोड को, यानी जिसे यूज किया जाता है, ये इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं यूज फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। जो नेक्स्ट इसमें सेक्शन आता है डेट इज सेक्शन 66 भी। अब ये सेक्शन प्रोविशमेंट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है पर्सन को हु डिसऑनेस्टली रिसीव्स और रिटेन्स एन स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। यानी अगर किसी का कंप्यूटर रिसोर्स चोलन हुआ है या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस चोरी हुआ है, अगर कोई बंदा उसे जानबूझ के अपने पास रिटेन करे तब सेक्शन 60B उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसमें जो सेक्शन आता है डेट इज 66C विच प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर एनी पर्सन हु फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड और अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन। देखो जब कोई पर्सन जानबूझकर दूसरे पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया, पासवर्ड हो गया या उसका कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर है उसको यूज़ करता है फ्रॉडलेंटली फॉर मिसकंडक्ट, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है पनिशमेंट को प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट सेक्शन इसमें आता है डेट इज 67B। अब इस सेक्शन का काम है पनिशमेंट प्रोवाइड करना फॉर एनी पर्सन जो पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है कोई भी मटीरियल रिलेटेड टू चिल्ड्रन डेट इज सेक्शुअली एक्सप्लिसिट और कंडक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कुछ भी गलत डेट इज सेक्शुअली एक्सप्लिसिट इन दी काइंड ऑफ चिल्ड्रन या रिलेटेड टू चिल्ड्रन उसको पब्लिश किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है तब सेक्शन 67B एक्टिव हो जाता है पनिशमेंट को प्रोवाइड करने के लिए। सो मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डेट इज रिलेटेड टू जिसका नाम है एंटी प्रॉफिटरिंग, और इसमें हम कुछ और भी बॉडीज गवर्नमेंट की स्टडी करेंगे। देखो जो एंटी प्रॉफिटरिंग है ये एक टर्म है फॉर द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग एंटिटीज फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट ड्यू टू GST बाई इंश्योरिंग दैट एनी रिडक्शन इन। अब देखो GST में ये एंटी प्रॉफिटरिंग ऐसा एक टर्म है जो एंटिटीज को प्रिवेंट करता है कि वो GST को यूज करके एक्सेसिव प्रॉफिट ना बना सके बाय इंश्योरिंग दैट एनी रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स और बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिट इज पास्ड ऑन टू रेसिडेंट बाय वे ऑफ कंपेंसेटरी रिडक्शन इन द प्राइस। इसका मेन काम क्या है, अगर का टैक्सेशन का रेट रिड्यूस हो रहा है उससे नहीं कोई बेनिफिट होना चाहिए, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला उसे आगे रेसिडेंट के पास पास ऑन किया गया है या नहीं किया गया वो ये एक्ट देखता है। अब इसमें कुछ हम बॉडी स्टडी करेंगे जिसमें सबसे पहले आती है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी NAA। अब ये वो अथॉरिटी है जिसे सेटअप किया गया था 2017 नवंबर में अंडर द GST लॉ। इसका मेन काम था एग्जामिन करना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उन्हें रजिस्टर्ड पर्संस हैं उन्होंने अवेल किया है या नहीं, या रिडक्शन इन टैक्स रेट हैव एक्चुअली रिजल्टेड इन कमेंसुरेट रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और सेकंड इसका काम ये था अगर आपका टैक्स रेट को रिड्यूस किया गया उसका एक्चुअली बेनिफिट प्राइस रिडक्शन में हुआ है या नहीं हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज के या दोनों के। अब नेक्स्ट इसमें आता था नीति आयोग। देखो नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस वेरियस इश्यूज पे लाइक जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। अब देखो जो CCI है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन काम था टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, यानी जो भी प्रैक्टिसेस का नेगेटिव इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कॉम्पिटिशन उनको प्रिवेंट किया जाए, प्रमोट करना सस्टेन करना कॉम्पिटिशन को मार्केट्स में, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को और उनको फ्रीडम इंश्योर करनी ट्रेड में चाहे कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन दी मार्केट। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ GST काउंसिल। देखो जो GST काउंसिल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे आर्टिकल 279A के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। जो ये आर्टिकल 279A है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है टू मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू GST। अब ये जो काउंसिल की इसका मेन काम था जो आपकी सेंट्रल यानी यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको जितने भी GST के रिलेटेड इश्यूज हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, लाइक रेट्स होगी, एग्जम्पशंस होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट्स होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 80GGC। देखो जो 80GGC सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का, ये एक प्रोविजन है जो अलाउ करती है टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स ऑन द डोनेशंस दैट आर मेड बाय इंडिविजुअल टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट। यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशंस देता है, उसका क्या बेनिफिट मिलता है, क्या डिडक्शन मिलती है, वो हमें सेक्शन 80GGC इनकम टैक्स एक्ट का प्रोवाइड करता है। अब ये जो डिडक्शन मिलती है, ये मिलती है हमारी टोटल ग्रॉस इनकम से SSC को। अब ये प्रोविजन जो अप्लाई होती है, ये होती है हर एनी पर्सन एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होली और पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट। जो अब इसकी एक कंडीशन है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन दे रहे हो उसको रजिस्टर होना पड़ेगा सेक्शन 29(8)(a) का ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959। अब इसकी डिडक्शन की कोई भी अपर लिमिट नहीं है, विच मीन्स एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टी कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। सो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश। इसमें बड़ा ही एक मेजर पॉइंट है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैश में कोई डोनेशन दे रहे हो तब आप ये 80GGC की डिडक्शन को क्लेम ही नहीं कर सकते। सो ये था इनकम टैक्स एक्ट का 80GGC का सेक्शन इन डिटेल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है दैट इज टोनेज टैक्स सिस्टम। देखो टोनेज टैक्स सिस्टम एक स्कीम है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम शिपिंग एक्टिविटीज बाय एन इंडियन कंपनी। देखो ये एक तरीके की प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है। अब जो कंपनी इंडियन कंपनी खास करके जब वो शिपिंग के बिजनेस से या शिपिंग के एक्टिविटीज से इनकम को अर्न करती है उस पर ये स्कीम एप्लीकेबल है टैक्सेशन के लिए। अब ये एक ऑप्शनल स्कीम है फॉर क्वालिफाइंग इंडियन शिपिंग कंपनी डेट ओन्स और ऑपरेट्स एटलीस्ट वन क्वालिफाइंग शिप। देखो बींग अन ऑप्शनल स्कीम, जो कंपनी यानी इंडियन शिपिंग कंपनी क्वालिफाई करती है उसके लिए ही ये स्कीम एप्लीकेबल है। अब ये स्कीम अलाउ करती है कंपनी को अपनी टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना ऑन द बेसिस ऑफ नेट टोनेज ऑफ इट्स शिप्स। यानी कि आपकी शिप की जो टोनेज है उसके बेसिस पे आप अपनी नेट इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो रेदर देन एक्चुअल इनकम फ्रॉम दी बिजनेस। यानी आपको जो एक्चुअल में इनकम प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है बिजनेस उस पे नहीं, आप अपने टोनेज पे ही अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो कंप्यूटेशन है टोनेज इनकम की, ये सेक्शन 115VG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कवर की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, डैट इज डिविडेंड के रिलेटेड टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ अ डिविडेंड इनकम। देखो जो बेसिकली डिविडेंड होता है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देती हैं उस रिटर्न को हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। देखो जो डिविडेंड इनकम है ना, ये टैक्सेबल है फॉर प्रेजेंट में शेयर होल्डर्स के हैंड में अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉस दैट अप्लाई टू दैम। देखो 31st March 2020 तक जो डिविडेंड इनकम थी वो एग्जम्प्ट थी शेयर होल्डर्स के हैंड में, तब कंपनी जो उस डिविडेंड को डिक्लेयर करते थे उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जितना उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया अंडर सेक्शन 115(o) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बट फाइनेंस एक्ट 2020 ने क्या किया, उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी DDT को अबॉलिश कर दिया। अब जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। बस जो कंपनी जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है जस्ट अब वो क्या करती हैं, वो डिविडेंड इनकम पे 10% TDS काट सकती हैं अगर उनका डिविडेंड का अमाउंट 5000 से ऊपर चल जाता है अंडर सेक्शन 194। सो होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब कुछ टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम टर्म्स कुछ स्टडी करेंगे डाटा रिलेटेड टू इनकम टैक्स। देखो सबसे पहले आती है टिन, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो ये एक यूनिक 11 डिजिट नंबर है जिसको यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए डीलर्स को जो रजिस्टर्ड है वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर। इसे हम इवन इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डियरनेस अलाउंस, जिसे हम DA कहते हैं। बेसिकली जो DA ये एक कंपोनेंट है सैलरी का जो इम्प्लॉयज को पे किया जाता है फॉर टू कंपेंसेट देम फॉर राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण उनको कंपेंसेट करने के लिए DA दिया जाता है सैलरी में। इसको जब कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी जो इम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरीज। नेक्स्ट जो हम इसमें आता है दैट इज लीव ट्रेवल
अलाउंस जिसे हम LTA कहते हैं, अब ये भी कंपोनेंट है सैलरी का, इसे एम्प्लॉयज को पे किया जाता है ताकि जो वो जितने भी ट्रैवल वो कर रहे हैं विद इन इंडिया, इनका और उनकी फैमिली का, उसके एक्सपेंसेस को कवर ऑन किया जाए। इसके एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में इनकम टैक्स अंडर के, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स एंड कंडीशन। नेक्स्ट जो आता है डेट इज चैन, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अब जो ये है ये एक यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है उन पर्सन को दो जिन डेट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट्स मेड बाय देम अंडर वेरियस प्रोविजन। जिन बंदों ने TDS को काटना है या टैक्स एट सोर्स या उनको कलेक्ट करना है उन बंदों को इसकी डिडक्शन मिलती है, उनको ये 10 नंबर अलॉट किया जाता है। सो होप सो आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे सेशंस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया क्योंकि मैं एब्सोल्यूटली फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है उसका मेन नेम है अपस्किलिंग। अब देखो अपस्किलिंग एक ऐसा प्रोसेस है यानी जिससे न्यू और रेलिवेंट स्किल को एक्वायर किया जाता है एंड कंपिटेंसीज जो हमें प्रेजेंट अपने काम के लिए या फ्यूचर टास्क के लिए रिक्वायर्ड है उनको हम अचीव करते हैं। देखो जो अपस्किलिंग इनेबलर्स होते हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो फैसिलिट करते हैं, इनकरेज करते हैं अपस्किलिंग को इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में। अब जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंटली COVID-19 पेंडेमिक आया, इससे ना कुछ अपस्किलिंग इनेबलर्स हैं उनको स्टेबिलिट करते हैं। देखो सबसे पहले आता है अब वुमेन के लिए कौन से COVID-19 पेंडेमिक के बाद अपस्किलिंग इनेबलर्स है। सबसे पहले तो है फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज़। देखो ये वो वर्क अरेंजमेंट है जो एम्प्लॉयज़ को अलाउ करते हैं कि उनके पास कुछ कंट्रोल हो अपने वर्क स्केड्यूल पे, लोकेशन पे, मोड ऑफ वर्क पे। इवन फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को हेल्प करती है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करने में, ये उन्हें परस्यू अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करने में उनके अकॉर्डिंग जो उनकी नीड है हेल्प ऑन करती है। सेकंड इसमें आता है वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट। देखो वर्क फ्रॉम होम एक फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट है यानी एक टाइप है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट भी जो इम्प्लॉयज को अलाउ करता है कि वर्क को रिमोटली वो अपने घर से या किसी भी लोकेशन से कैरी आउट कर सके। अब ये वुमेन को हेल्प करते हैं एक तो टाइम सेव करने में, मनी सेव करने में, कम्यूट करने में, इधर से उधर जाने में, स्ट्रेस रिड्यूस करने में, डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करने में, और इवन वो कई अपस्किलिंग कोर्सेज जो उनको ऑनलाइन मिल रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के वो भी वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ फ्री टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नीड टू स्टे रेलिवेंट स्पेशली इन टेक्नोलॉजी। देखो ये एक तरीके की मोटिवेशन है या ड्राइव है जो हेल्प करती है टू कीप विद द चेंजिंग डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वर्क प्लेस एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल। देखो जैसे आपको पता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, अब टेक्नोलॉजी तो चेंज होती ही रहती, सो नीड टू स्टे रेलिवेंट ऐसी मोटिवेशन है ड्राइव है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपकी वर्क प्लेस पर ओरिजिनेट होती आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सको। नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क। देखो ये एक तरीके की एटीट्यूड है, इंटेंशन है वुमेन की जिनका करियर किसी ना किसी कारण या किसी ना कोई भी रीज़न थे उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी, फैमिली के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण या अपॉर्चुनिटीज नहीं उनको मिल सके, वो अपनी प्रोफेशनल जर्नी को रिज्यूम कर सके, यानी एक तरीके का ये एटीट्यूड है, इंटेंशन है। सो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज मेगा कंजम्पशन इवेंट्स इन इंडिया। देखो ई कॉमर्स में ये टॉपिक ई कॉमर्स के अंडर आता है। देखो ई कॉमर्स एंड लार्ज रिटेलर्स इन इंडिया बैक बेट ऑन मेगा कंजम्पशन इवेंट्स ऑन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड अक्षय तृतीया। इसमें से क्वेश्चन UGC ने पूछे ही पूछे हैं। देखो जो ई कॉमर्स रिटेलर था यानी कोई लार्ज रिटेलर वो ना मेगा कंजम्पशन इवेंट्स का फायदा उठाते हैं, उन्हें ये होता है इसमें पब्लिक इकट्ठी मिलेगी, वो अपनी सेल्स को बूस्ट ऑन कर सकते हैं। देखो रिपब्लिक डे भी इंडिया का है, इंडिपेंडेंस डे भी इंडिया का है, अक्षय तृतीया हो गया, इवन ऑस्पिशियस डेज होते हैं, इवन US के कुछ डेज हैं लाइक ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे जो पॉपुलरली इन कामों के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक में मूव ऑन करते हैं वो आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशंस क्या है? देखो मार्जिनल कॉस्टिंग की सबसे पहली अजम्पशन है कि जो टोटल कॉस्ट है हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट में। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट रहती है, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन फ्लक्चुएट करती है हमारे लेवल ऑफ आउटपुट से यानी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
दैट इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें जो हमारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो ट्रांजेक्शन है जो इन्वॉल्व करती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को, ओनर की इक्विटी एंड चेंजेस टू शॉर्ट टर्म बोरिंग। दीज एक्टिविटीज इनफ्लो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिटवीन कंपनी एंड इट्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी ये वो एक्टिविटीज हैं जिनमें वो कैश या कैश इनफ्लो भी आएगा, कैश आउटफ्लो भी आएगा, जो कंपनी कर रही है अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के साथ। इसमें लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, बॉन्ड्स पेबल हो गए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स करने बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। देखो मोनोपोली के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले देखो जो मोनोपोली का एमआर कर्व है वो ट्वाइस होता है ईयर कर्व के। आप ये चीज़ों को ऑलरेडी अच्छे से स्टडी कर चुके हो। सो सेकंड आता है जो मोनोपोलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तब होता है जब उसका एमसी एमआर कर्व के बराबर होगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट उसके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। अब जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा मोनोपोलिस्टी का वो हमेशा हायर होगा कॉम्पिटिटिव फर्म के, यानी जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है उससे ज़्यादा होगा जो मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर सक लेता है कि हायर प्रॉफिट को चार्ज करने में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है डेट इज कार्टल्स जब बनाए जाते हैं उसमें क्या चैलेंजेस हैं उसको फॉर्म करने में और उनको सस्टेन करने में। देखो कार्टल बेसिकली होता क्या है, देखो कार्टल्स वो एग्रीमेंट्स हैं कम्पीट, कार्टल एक तरीके का एग्रीमेंट है कम्पीटिंग फर्म्स के बीच में जो हेल्प करता है उनको प्राइजेस को कोऑर्डिनेट करने में और क्वांटिटीज को, ताकि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके एट द एक्सपेंस ऑफ द कंज्यूमर। बेसिकली कार्टल्स कई कंट्री में इलीगल है एंड सब्जेक्ट टू एंटी ट्रस्ट इन्फोर्समेंट। अब जब कार्टल्स बनाए जाते हैं ना तब कुछ चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, उनमें से सबसे पहला चैलेंज आता है डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस। अब देखो जब प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएटेड है तब कार्टल को बनाने में कार्टल मेंबर्स को बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें एक कॉमन प्राइस डिटरमाइन करना होता है और उसके डेविएशंस की भी जजमेंट करनी होती है। सेकंड आता है डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर। देखो अगर तो अब ये जो डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर है दिस क्रिएट्स इंटेंसिव फॉर लोअर कॉस्ट फॉर्म टू अंडरकट द कार्टल प्राइस एंड कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर। जो डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर देखो जिन कार्टल्स का यानी जिन फॉर्म्स का प्राइस लोअर है क्रिएट उनको तो इंसेंटिव मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है लो फ्रीक्वेंसी सेल्स कपल्ड विद ह्यूज अमाउंट्स ऑफ आउटपुट। अगर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो अगर तो मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एब्सेंस है तो ये एक्सपोज कर देता है कार्टल टू थ्रेट ऑफ एंट्री बाय न्यू कॉम्पिटिटर और सब्स्टिट्यूशन बाय कंज्यूमर हु कैन स्विच टू अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और सोर्सेज ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट जो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग, कि वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखो सबसे पहले आता है वर्किंग कैपिटल क्या है, इसका डिफरेंस बिटवीन कंपनीज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब ये लिक्विडिटी को और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करता है। देखो कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, सबसे पहले जिसमें आता है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो नेचर ऑफ बिजनेस अमाउंट ऑफ कैश इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स को अफेक्ट करता है जो कि फर्म को नीडेड है। फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिंग फर्म है उसे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग फर्म को ज़्यादा चाहिए। इवन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ये प्रोडक्शन साइकिल को इन्फ्लुएंस करती है, लेवल ऑफ ऑटोमेशन को इन्फ्लुएंस करती है। जिन कंपनीज का प्रोडक्शन साइकिल जिन फर्म्स का ज़्यादा है और जिन्हें हायर ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए और वाइस वर्सा। नेक्स्ट आती है हम इसमें क्रेडिट पॉलिसी। देखो क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन करती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट को जो फर्म ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को या जो उन्हें टर्म्स मिलती हैं अपने सप्लायर से। अगर तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो इससे सेल्स इंक्रीज होंगे बट और इस सेल्स इंक्रीज होने के साथ रिसीवेबल्स भी इंक्रीज होंगे जिससे बैड डेट्स का रिस्क राइज होगा। और अगर तो टाइट क्रेडिट पॉलिसी है उससे सेल्स रिड्यूस होंगे, रिसीवेबल्स रिड्यूस होंगे और जिससे कैश फ्लो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट आते हैं मार्केट और डिमांड कंडीशन। देखो मार्केट डिमांड कंडीशन अफेक्ट करती है लेवल एंड पैटर्न ऑफ सेल्स दैट अ फर्म एक्सपीरियंस। अगर तो आपकी डिमांड हाई है या सीजनल वेरिएशन है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए और कस्टमर एक्सपेक्टेशन और स्टॉकवर्ड्स को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज प्राइमरी कैपिटल मार्केट, यानी इन शॉर्ट कैपिटल मार्केट के साथ रिलेटेड है। देखो जो हमारी प्राइमरी कैपिटल मार्केट है ये हमारी कैपिटल मार्केट का हिस्सा है जो डील करती है विद इशुएंस एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी टू परचेज डायरेक्टली बाय द इशुअर।
यानी जो आपके सिक्योरिटीज के परचेजर है वो डायरेक्टली जो बंदा सिक्योरिटी यानी जो फर्म या कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करते हैं उनसे डायरेक्टली इशू परचेज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक टाइप की न्यू इशू मार्केट है। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक आपके आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होगी, राइट ऑफरिंग्स होगी, प्राइवेट प्लेसमेंट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स आता है, दैट इज रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये एक समरी मेजर्स है जो अटेम्प्ट करती हैं कि होल सेट ऑफ डाटा को एक सिंगल वैल्यू में डिस्क्राइब किया जाए बाय रिप्रेजेंट द मिडल सेंटर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो मेन मेजर्स इसमें यूज की जाती हैं वो होती हैं मीन, मीडियन और मोड। जो मीन है, हमने ये प्रीवियस सेशंस में भी स्टडी किया, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। जो मीन है ये डाटा सेट की एक एवरेज वैल्यू है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितने हमारे पास डाटा सेट हम सभी वैल्यूज को एड ऑन करके उसको डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ वैल्यूज उस डाटा सेट में थी। जो सेकंड मीडियन है, मीडियन एक मिडल वैल्यू है डाटा सेट की। जब हम इसको असेंडिंग और डाटा सेट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो अगर तो हमारे पास इवन नंबर्स की वैल्यूज है तब जो मिडल वाली दो आएंगी उनको उनकी एवरेज आउट कर दिया जाता है। मोड होता है जो कि सबसे फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है डाटा सेट की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंड लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे सेशन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक्सप्रेस करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस। यानी कि अगर आपके जो इवेंट्स है वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस में अक्कर करे उसके प्रोबेबिलिटी को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस करेगा। इफ दिस इवेंट्स अक्कर विद इन अ नोन कॉन्स्टेंट मीन डेट एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ टाइम सिंस द लास्ट इवेंट। इवन जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको वो सिस्टम पे अप्लाई किया जाता है विद अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स ईच ऑफ विच इज अ रेयर। ठीक है, सो होप सो आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव, मेरे सेशंस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरा एफर्ट, सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे अहेड। मिलते हैं कल न्यू सेशन न्यू क्लास के साथ।